नमस्कार, मेरा नाम है अमित प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल की लोकसभा खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई रैली में पीएम मोदी ने क्या बोले हैं आईएनडीआई गठबंधन और कांग्रेस के बारे में। लेकिन रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ इस बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 27 अप्रैल को महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा के वास्को में सभाएं की। पहले कोल्हापुर गए, यहाँ एक बार फिर कहा कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं के सोने चांदी की जांच करवाएगी और इसे अल्पसंख्यकों में बांट देगी। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये सीएए को ख़त्म कर देंगे, कश्मीर में धारा 370 को वापस लाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अब ईडी गठबंधन नया फॉर्मूला निकालने में लगे हैं कि एक साल एक पीएम यानी 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, ये देश कभी सहन करने वाला नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, सरकार बनाओ और नोट कमाओ। पीएम बोले, कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब है, फुटबॉल यहाँ के युवाओं में बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहूँ तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो आप हमारे इस YouTube चैनल जेएमडी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में नई रिपोर्ट के साथ, तब तक देखते रहे जेएमडी न्यूज़ YouTube चैनल को और पाएँ हर खबर इधर।